नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल रैली भर्ती 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, असम राइफल में बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है जो 10वीं और 12वीं पास मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो दोस्तों मैं इसके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कुछ आपको बता देता हूं। जो है फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हुआ है 17/2/2023 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट इसका है 19/3/2023 तक। एग्जामिनेशन डेट दोस्तों 1 मई 2023 से स्टार्ट होगा। एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले जारी कर दिए जाएंगे एग्जाम के। और फीस की बात करें दोस्तों तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस रखा गया और एससी एसटी और आल कैटेगरी महिला के लिए 0 फीस है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक फॉर्म फिल करके ऑनलाइन बताता हूँ। सबसे पहले आप इस पे आने के बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप केयरफुली इसको पढ़ लीजिएगा सारे एक एक करके। इसके बाद से नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि मेल फीमेल सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। आप जो भी होंगे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि स्टेट ओरिजिन डोमिसाइल आप किस राज्य के रहने वाले हैं। आप जिस राज्य के रहने वाले होंगे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज आपको ध्यान देने वाली है, जैसे आप यहाँ देखिए मैं यहाँ पे हवलदार कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे आप देखिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है कास्ट। इस जो बहाली है हवलदार कलर के लिए वो सिर्फ जनरल और ओबीसी वाले लोग ही भर सकते हैं, इसमें एससी एसटी वाले लोग नहीं भर सकते हैं। ऐसे ही देखिए मैं दूसरा यहाँ पे कोई भी लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 12 का मैं ले लिया, इसमें सिर्फ ओबीसी के ही लोग भर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना वहाँ पे ट्रेड देख लेंगे कि क्या आपके कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है, तो उसके हिसाब से ही आप भरेंगे। चलिए मैं कलर कॉलर लेके आपको एक फॉर्म भर के दिखाता हूँ। इसके बाद से यहाँ ले लेने के बाद से यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक आपको दिखाने लगेगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि अगर ये मैंने कलर किया तो मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th पास और टाइपिंग जो होना चाहिए 35 होना चाहिए इंग्लिश का और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी का। इसके बाद ले लेंगे, अगर आप देख लेंगे इश्यू हो गया है तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम यहाँ डालना है और यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। अगर आपका केवल सुनील कुमार नाम है तो आप इसमें सुनील डालेंगे और लास्ट में कुमार कर देंगे। अगर जैसे आपका नाम हो गया अशोक कुमार शर्मा तो अशोक इस फर्स्ट में नाम डालेंगे, मिडिल में कुमार डालेंगे और शर्मा लास्ट में डालेंगे। यहाँ पे फादर फुल नेम एक ही में आपका पूरा फादर का फुल नेम डालना है। यहाँ मदर नेम आप डाल सकते हैं लेकिन यहाँ मैंडेटरी नहीं है, आप देख सकते हैं स्टार मार्क नहीं लगा है, आप चाहें तो डाल सकते हैं अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे डीओबी दिया गया है, आप देख सकते हैं डीओबी का फॉर्मेट दिया है, पहले डेट रहेगा फिर मंथ रहेगा फिर ईयर रहेगा। जैसे आपका मान लीजिए कि आपका जन्म तिथि हो गया है 2/5/1996 तो आप ऐसे करके डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे रिलीजन दिया गया है कि आप बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, आप जो भी होंगे यहाँ से ले लेंगे। या फिर जो फोन नंबर दिया हुआ है इसको छोड़ देंगे आप, यहाँ मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद से यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कम्युनिटी, आप जैसे कि गोरखा है, असम है, लद्दाखी है, कश्मीरी है, हिमाचली है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको इसमें विशेष छूट मिलती है एज वगैरह में, चाहे हाइट वगैरह में जो भी है अपना, अगर ये नहीं है अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही सिलेक्टेड रहने ही देंगे। इसके बाद से यहाँ पे दोस्तों एड्रेस पूछा है, एड्रेस में आप डाल देंगे एड्रेस। इसमें दोस्तों यहाँ पे दिया गया एस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, इसमें आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नहीं डालना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सामने वाले में डालेंगे। इसमें आप खाली डालेंगे विलेज पोस्ट और थाना अपना डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट इसमें फिल करेंगे, अपना स्टेट इसमें से ले लेंगे आपका जो भी स्टेट होगा और यहाँ पे आप पिन कोड अपना डाल देंगे। और उसके बाद से नीचे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है कि उल्टा दे दिया है, और में क्या होता था कि अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस एड्रेस सेम रहता था तो हम यहाँ पे टिक मार्क करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सेम है तो इसको छोड़ देना है, अगर डिफर है दोनों में परमानेंट और करस्पोंडेंस में तो यहाँ पे टिक करके हम डालेंगे, अदरवाइज अगर सेम है तो इसको अनटिक ही रहने देंगे। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है जनरल एससी एसटी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट दिया हुआ है, कास्ट में आप जनरल है, एससी है, एसटी है, आप जो भी है ले लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे एक नीचे कॉलम में आप देख सकते हैं कास्ट का दिया हुआ है, इसमें आप कार्ड डालेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि यादव है तो अहिर लिखेंगे, उपजाति मतलब इसमें लिखेंगे, कुशवाहा है तो कोयरी लिखेंगे, ऐसे अपना करके इसमें डाल लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दे रहा है क्वालिफिकेशन, पहले यहाँ पे 12th ऊपर दिया हुआ है देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप ले लेंगे बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप पास हुए हैं अपना बोर्ड इसमें ले लेंगे। बोर्ड लेने के बाद से इसमें अपना पासिंग ईयर डालेंगे, इसमें टोटल मार्क्स डाल देंगे, इसमें मार्क आप कितना प्राप्त किए थे, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे नीचे दोस्तों देख सकते हैं कि दिया हुआ है डिप्लोमा इन जस्टिस, मतलब और भी अगर आपके पास कोई डिग्री है और आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। इसमें यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, आप चूज कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी पासिंग ईयर, टोटल मार्क और कितना प्राप्त किए थे वो डालेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि डिटेल ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो उसका यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, अदरवाइज चीज को छोड़ देंगे। यहाँ पे भी दे रहा है अदर क्वालिफिकेशन अगर है कोई, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डाल सकते हैं। उसका यहाँ पे बोर्ड डाल देंगे, यूनिवर्सिटी डाल देंगे या पासिंग ये डाल देंगे और या मार्क्स या ग्रेड जो भी होगा वो डाल देंगे। उसके बाद से नीचे दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है टाइपिंग स्पीड 35 WPM यानी वर्ड पर मिनट, और हिंदी के लिए दिया है 30 वर्ड पर मिनट। इसका आप जो कंप्यूटर जो पढ़ाई किए हैं उसका सर्टिफिकेट का इंस्टीट्यूट का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम और टाइपिंग स्पीड इसमें डालना है। इसमें एक्सपीरियंस इन ईयर में डालना है दोस्तों, अगर आपने कहीं काम किया है कंप्यूटर पे तो आपको मिला होगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे लोड कर देना है, यहाँ पे चूज फाइल करके। सर्टिफिकेट जो होना चाहिए दोस्तों 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए और फाइल टाइप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है JPG में आपका फाइल होना चाहिए। और उसके बाद से नीचे यहाँ दे रहा है दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग, क्या आप जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाई कराना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि इसको ऑन टिक ही रहने दें, आप ऑफलाइन ही सर्टिफिकेट को लोड कर देंगे। उसके बाद से नीचे यहाँ पे छोड़ देना है सब कुछ, डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दे रहा है कि साइज ऑफ फोटो मार्कशीट डॉक्यूमेंट इज शुड बी बिटवीन 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आईडी कार्ड है वो 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, और फाइल टाइप JPG में होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हैं फोटोग्राफ अपलोड कर देना है, और यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, और यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट टाइप दिया हुआ है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र दिया हुआ है, आधार कार्ड दिया हुआ है, वोटर कार्ड दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है। आपका पास जो कुछ भी जो भी आधार होगा ले लेंगे आप, मान लीजिए आधार कार्ड ले लेंगे, फिर यहाँ पे आधार कार्ड का कॉपी जो है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद से दोस्तों नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे दिया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल इफ एनी, मतलब आपके ऊपर कोई केस वगैरह FIR वगैरह हुआ है तो इसको टिक करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। मैं सलाह करूँ दोस्तों इसको टिक ही रहने दें, क्योंकि रहेगा तो आपका फॉर्म में ज्वाइनिंग नहीं पाएगा। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है नीचे सारे क्वांटिटी की रहने देंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई मिस्टेक से आप टिक अप मत कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेस दे रहा है तो आप अपने गांव या थाने का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, अपने ब्लॉक का नाम डालेंगे। और डालने के बाद से यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड इसमें डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं दोस्तों, ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। इसमें आपको डाटा इंश्योर करने के लिए कहा जाएगा कि आप मिला लें कि अपना, मतलब पेज प्रीव्यू एक तरह से कहिए तो आपको खुल कर आ जाएगा। आप डाटा सारा मिला लेंगे यहाँ से रिव्यू और एडिट करके, अगर कुछ गलत है तो आप एडिट कर लेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।